जम्मू कश्मीर में कोरोना के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। पिछले 24 घंटों के दौरान रिकॉर्ड 5,170 कोविड 19 के मामले सामने आए हैं। इसको देखते हुए श्रीनगर के बाद सेना और जम्मू कश्मीर प्रशासन ने बारामूला और उरी में आम लोगों के लिए कोविड 19 सेंटर खोले हैं। आज तक संवाददाता अशरफ वाणी की रिपोर्ट देखिए। मामलों में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। बीते 24 घंटों के दौरान जम्मू कश्मीर में 5,180 कोरोना पॉजिटिव के मामले सामने आए हैं, जबकि 54 लोगों की जान गई है। इस बीच जम्मू कश्मीर के प्रशासन ने जम्मू कश्मीर में लॉकडाउन को 17 मई तक बढ़ाया है। उस बीच जम्मू कश्मीर में सभी त्यौहार ईद और बाकी जो त्यौहार है फिलहाल लोगों को घरों के भीतर ही जो है मनाने पड़ेंगे। अगर आप अस्पतालों और ऑक्सीजन की बात की जाए तो उस पर भी अब सरकार की तरफ से जोर दिया जा रहा है ताकि लोगों को सुविधाएं मिलें। अब सेना और प्रशासन ने मिलकर श्रीनगर के बाद उड़ी और बारामूला में कोविड फैसिलिटी सेंटर कायम किए हैं। फिलहाल रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन होंगे हाजिर कुछ और खबरों के साथ। देखते रहिए आज तक। जबरदस्त कोरोना संकट से जूझ रहे कर्नाटक और तमिलनाडु में आज से 2 हफ्ते का संपूर्ण लॉकडाउन लग गया है। 24 मई की सुबह 6 बजे तक से जरूरी सेवाओं को ही छूट मिलेगी। आज से मेट्रो बस टैक्सी सेवा बंद रहेगी। उधर दिल्ली में 1 हफ्ते का लॉकडाउन बढ़ गया है। अब 17 मई की सुबह 5 बजे तक लॉकडाउन रहेगा। आज से दिल्ली मेट्रो सेवा भी बंद कर दी गई। फिलहाल रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन होंगे हाजिर कुछ और खबरों के साथ। देखते रहिए आज तक।